अपोजिशन में कोई है ही नहीं भाजपा छोड़ के, मोदी जी का छोड़ के नहीं दे रहा है। आप भी बोलिए, आइए नजदीक आइए, दूर से करेंगे। मोदी जी को छोड़ के कोई है ही नहीं चेहरा, कोई एक कैंडिडेट विपक्ष बता दे इंडिया गठबंधन वाले। हाँ, इनको कोई और नाम मिला, यही मिला था और कोई नाम नहीं था। UPA था सर, भ्रष्टाचार UPA का नाम आते ही तो मोदी के सिवा कोई आएगा नहीं। अच्छा, मोदी के काम से खुश है? मोदी खुश ही है, नहीं सब लोग बोलता है, रोज ही नहीं है। वर्ल्ड अपना एशिया का फर्स्ट नंबर सरकार बदल सकता है। हम लोग का रोजी रोटी ये जो देख रहा है ना, ये धंधा नहीं करने देगा तो हम वोट किसको देगा? किसी को भी दे सकता है। सरकार को दबाने का कोई जरिया नहीं है। आज उनको गली गली दौड़ा रही है सरकार, तो सरकार कौन सी है? BJP की है, भारतीय जनता पार्टी की है। BJP सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। मिश्रा जी हैं ये, तो थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा भी हमारी इनसे बात हुई थी, तो ये योगी जी से खुश नजर आए थे लेकिन मोदी जी से खुश नहीं थे। उस विषय पे भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, राजनीतिक बात होगी, लोगों से कनेक्ट करेंगे और जानेंगे क्या है जनता का मूड। क्या लगता है मिश्रा जी? देखिए, BJP पार्टी कोई गड़बड़ नहीं है, BJP पार्टी का हमें मतलब कोई तकलीफ नहीं है, मगर आज की जनता क्या है कि मोदी जी को नहीं चुनना चाहती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री होते हुए गुजरात में जो है ऐसा कर दिए हैं कि हमारे भाई है लारी वाले हैं, ठेला वाले हैं, ये लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कहे अलग अलग देश से, मतलब अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं, कोई UP से, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है। आज इनको दौड़ाया जा रहा है, गली गली दौड़ाया जा रहा है, इनको रोजी रोटी कमाने नहीं दे रहे हैं, तो बताइए कैसे इस हाल में कैसे वोट हमारे साथ ही देंगे उनको? नहीं, हम एक चीज़ तो ये मैं जानना चाहूँगा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात हुई थी, आप योगी जी से खुश थे तो मोदी जी से क्यों नहीं खुश हैं? वो भी BJP सरकार है, वो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, तो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो स्टेट के अंदर देखना चाहिए ना कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। आज गुजरात वापी के दौर में हमारे कम से कम 500 से अधिक लारी वाले, 500 से अधिक जो है ठेला वाले और लारी वाले, इसके अलावा फुटपाथ पे धंधा करने वाले, कम से कम ऐसे माने जाए तो लगभग 20,000 वोटर बेघर हो चुके हैं, जिनके पास रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं है। आज उनको गली गली दौड़ा रही है सरकार, तो सरकार कौन सी है? BJP की है, भारतीय जनता पार्टी की है। BJP सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। आप अपनी सहमति ना सहमति यहाँ के मौजूद पब्लिक से मैं बोलूंगा, कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के दिखाएं, आप लोग अपनी सहमति ना सहमति दर्ज करा सकते हैं, आपका मत है और आप इस देश के मालिक हैं। आप जब अपने उंगली पे एक अतिरिक्त जोर लगाते हैं जब EVM मशीन पे, तो आप अपनी किस्मत तय करते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपना मत सरकार तक पहुंचाएं। आपने जिसे चुना है और जिसे अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे अगले 5 साल तक के लिए, आप हमारी ज़िंदगी का हर एक फैसला लेंगे, हमारे पर्सनल मैटर होवे, देश से जुड़े मैटर होवे, हर एक मैटर पर आप जिसे अनुमति देते हैं, तो उसके बारे में आपका बोलने का पूरा अधिकार है। क्या नाम है आपका? प्रकाश पालीवाल। प्रकाश जी, क्या लगता है आने वाले 2024 में किसका दम दिखने वाला है? दम तो अभी देखो, जो लारी वाले ठेले वाले सबका जो काम धंधा संभालेंगे उनका ही विजय होगा, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, दूसरा कुछ नहीं। और मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी फुटपाथ पे जो लारी वाले गले वाले उनको स्थायी बनाओ, दौड़ाओ मत रोड रोड, दूसरा कुछ नहीं। और भाजपा सरकार को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, गुजरात भाजपा सरकार को भी यही बोलने वाला हूँ, जितने लारी गले वाले फुटपाथ वाले हैं चाहे कोई भी धंधे वाले हो, उनको स्थायी बनाओ, उनको दौड़ाओ मत, वो गरीब आदमी तुमको वोट देंगे और वही जिताने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि स्थानीय जब प्रशासन होती है तो इस विषय में बात करती है। कुछ दिन पहले अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ गुजरात के अंदर, और एक गुजरात का वापी एरिया है और यहाँ का जो नगर पालिका लगता है, कुछ दिन पहले यहाँ के व्यापारियों का एक मीटिंग बुलाया था। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर कोई सहमत हो तो इसमें अपनी हामी भर सकता है कि वो मीटिंग बुलाए थे और लोगों को कैसे बिजनेस करना, फुटपाथ पर कैसे करना, इस विषय पर एक चर्चा भी किया गया था। आपको जानकारी इस अभी चर्चा क्या है? लारी वालों को तो वही बोलते हैं, तुम उधर खड़े रहो। अभी लारी वाले जाए कहाँ बेचारे, गल्ले वाले जाए कहाँ बेचारे, बड़े सेठ लोग तो दुकान लेके बैठ जाते हैं, गरीब जनता कैसे दुकान लेके बैठेगी? ये तो फुटपाथ भी बेचारे धंधा अपना पेट रोजी रोटी पालेंगे। आज एक लारी वाले के पीछे 5 जने घर पे खाने वाले हैं और ऐसे ऐसे दौड़ाएंगे तो उनको क्या हाल होगा पहले बताओ? सरकार कोई भी रहो, सरकार से हमें बैठ नहीं, हमें सुविधा चाहिए, हमें स्थायी जगह चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इनको ये लारी है, यहाँ पे दिखाओ, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे लारी है। क्या नाम है आपका? पंडित। क्या काम करते हो? जी लॉरी चलाता हूँ। लारी चलाते हो, तो सरकार से क्या मांग रहे हैं कि 2024 में? देखिए, हम लोग को वही चाहिए जो धंधा बराबर से मिलेगा करने के लिए रोड में। हाँ। तो सही है,
मगर सरकार का सीट पलट सकता है, सरकार बदलने वाली है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, सरकार बदल सकता है। हम लोग का रोजी रोटी ये जो देख रहा है ना, ये धंधा नहीं करने देगा तो हम वोट किसको देगा? अच्छा। किसी को भी दे सकता है, सरकार को पलट सकता है। क्या बोल रहे हैं बाबू, आगे? पहले जब कांग्रेस का सरकार था तो इतना दौड़ाता नहीं था, अभी जब से बीजेपी का सरकार हुआ ना, लोरियाला को एक भी ठेला लगाने को नहीं देता है, बम्बू भी दिखाता है। लेकिन फुटपाथ जो है, अगर लीगली तौर पे देखा जाए तो ये जब सड़क बनती है तो फुटपाथ पे वैसे भी लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। आप ना साइड में रहते हैं, गाड़ी वाला ठेला वाला, फिर भी पब्लिक इतना तड़ाता है, वो मीडिया वाला ये जो आता है ना, सब पुलिस वाला ये वाला सबको बोल के रखते, इतना हम लोग तो अपना साइड में रहते हैं। जब गाड़ी लगता है तुम लोग को कुछ नहीं बोलता, आधा रोड में तो गाड़ी लग जाता है तो उन गाड़ी वाला को कुछ नहीं बोलता, वो बड़ा लोग है ना, उन लोग को कुछ नहीं बोलता है। जो साइड में गाड़ी रहता है उसमें गाड़ी वाला को हाथ गाड़ी वाला को भगाता है, गाड़ी वाला को बोला ना, वो सब गाड़ी लगाता है रोड में, उन लोग का कुछ नहीं है। में क्या नाम है आपका? निखिल भाई। निखिल भाई, क्या लगता है 2024 में कैसा रहेगा माहौल? मोदी ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, मोदी रहेगा। लेकिन यहाँ की जनता वाले का बात बरोबर है, मगर ठेले वाला जीआईडीसी में सब जाके वो लोग को उधर लिखान करके देना मांगता है, अब उधर से लेके उधर तक ठेले वाला तो है ही, किधर नहीं है, दोनों साइड देखो ना, थोड़ा पब्लिक का भी देखना पड़ेगा। ये ठेला वाला जाके बोले, गाड़ी वाले को तो कुछ बोलने वाला नहीं है, पुलिस वाला आएगा ठेले वाले को हटाता है, मगर ठेले वाला एक होके सबको जाना पड़ता है, जीएडीसी में बोलना पड़ता है कि भाई हम लोग को ये परेशानी, हम लोग को जगह दे दो, अभी ये रोड पे खड़ा है, उधर आगे गाड़ी खड़ा है, उधर गाड़ी खड़ा है, पब्लिक का आने जाने का ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसमें, गवर्नमेंट तो मोदी के सिवाय कोई आएगा नहीं। अच्छा, मोदी के काम से खुश है? मोदी खुश ही है, नहीं सब लोग बोलता है, रोज ही नहीं है, वर्ल्ड अपना एशिया का फर्स्ट नंबर जीआईडीसी पापी है, ऐसा अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर है ऐसा, मगर फर्स्ट नंबर ज़्यादा फैक्ट्री वापी में है। अच्छा। अभी आप जीआरडीसी चले जाओ, ज़्यादातर फैक्ट्री के ऊपर बोर्ड लगेला होता है, भाई हमको वर्कर की ज़रूरत है, तो लोग बोलते हैं हमारे पास काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, तुम जाओ तो मिलेगा ना, कोई इधर ढूंढने थोड़ी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, यहाँ से जानेंगे कैसा माहौल रहेगा 2024 का। इंडिया का नाम सुनो, बस वही रहेगा, इंडिया का नाम तो हम लोग सुनते हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है देश के अंदर, इंडिया या भारत, क्या पसंद है लोगों को? भारत है? भारत भारत पसंद है, भारत है तो भारत ही पसंद आएगा ना आपको। भारत अगर नाम चेंज करने जाएंगे तो आपको अंदाजा भी है कि कितना खर्च आने वाला है देश के ऊपर, इसका अंदाजा भी है? अंदाजा नहीं है अपने को, तो अंदाजा लगे हमारे नोट पे जो लिखा गया वो क्या लिखा गया, कोई बताएगा? हमारे नोट पे जो लिखा गया इंडियन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लिखा गया, तो जब हम पूरे देश की वो ब्रिटिश के जमाने से चला आता है भाई इंडिया, इंडिया तो अभी इंडिया का नाम बदली भारत ही रहेगा, तो ब्रिटेन ने नाम रखा है इंडिया, इंग्लिश नाम है, कोई गुजराती हिंदी नाम थोड़ी है, तो ये नाम इंडिया का मतलब है अंग्रेजी में लगे ब्रिटिश के वक्त सामने से। नहीं, मैं ये चीज़ यहाँ के मौजूद जनता से पूछना चाहूँगा, ये नाम अभी क्यों आया? जैसे कि गठबंधन हुआ इंडिया नाम से, जब कनेक्ट करके ये इंडियन अलायंस एक पूरी टीम बनाई गई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से, तभी ये भारत का मुद्दा क्यों आया? जब हमें भारत करना था तो 2 साल पहले क्यों नहीं? और भी लोग हैं, हम जो पूछेंगे, क्या नाम है सर आपका? जीवा भाई। जीवा भाई, क्या रहेगा 2024 का मूड? और एक और चीज़, भारत या इंडिया क्या पसंद करेंगे? इंडिया ही पसंद करेंगे ना, इंडिया पसंद करेंगे। तो कुछ लोग अभी भारत, भारत का भी अच्छा है, उसमें क्या तकलीफ है? नाम से कोई लेना देना नहीं, नहीं है। आप लोग हमको पूछते, आपको नहीं मालूम है क्या पसंद है आपको? नहीं, हमको आपको क्या पसंद है? हमको क्या पसंद है उससे नहीं बोल रहे, आप भी तो पब्लिक है ना। हम पब्लिक है, ठीक है, आपको क्या पसंद है मेरे को ये बताइए। नहीं, यहाँ के जो मालिक है मेरे को पूछ रहा है, ये माइक मैं पकड़ के आपको पूछूंगा, आपको क्या पसंद है ये बताइए। ओ, हमारा कैलकुलेशन क्यों? हमारा कैलकुलेशन भी वही है कि आपको पूछना है, ठीक है, तो आप को उल्लू बना दे, आपको भी पूछो ना। नहीं नहीं, आप जिस दिन माइक मेरे को पकड़ो, मेरे को आपको पूछना है, आपको क्या पसंद है ये बताइए। सर, जिस दिन माइक आप पकड़ के हमसे पूछेंगे उस दिन हम जवाब पकड़ा दूंगा मेरे को। नहीं, आप अभी मौका मेरा है, पूछता हूं, ठीक है। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए 2024 में कैसा रहेगा माहौल देश का? आएगा मोदी, आएगा मोदी, आएगा मोदी, आएगा 100% आएगा, ठीक है। यहाँ की जनता है, कनेक्ट हो रही है, श्योर आप वहाँ से आवाज लगाए तो आप आगे आइए, थोड़ा बताइए कैसे बता सकते हैं कि मोदी आएगी? सर, गठबंधन में कोई नेता ही नहीं है, मोदी आएगी प्रधानमंत्री, गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, स्टालिन, किसको, कौन है चेहरा, कौन है पीएम पद का? अपोजिट साइड में कोई चेहरा नहीं ऐसा दिख रहा है, ऐसा आपका कहना है? कौन दिख रहा है सर? आदित्यनाथ योगी दिख रहे हैं। भैया, आप कौन से देश से आ गए? आप अभी बीजेपी, वो अपोजिट में नहीं है, वो बीजेपी से ही है।
हाँ बताइए कौन है, कोई है, कोई कोई दिख रहा है? अरे दिख रहा है, सुनाई दे रहा है भाई, सुनाई दे रहा है। कोई है अपोजिशन में? कोई है ही नहीं भाजपा छोड़ के, मोदी जी को छोड़ के। नहीं दे रहा है, आप भी बोलिए, आइए नजदीक आइए, दूर से करेंगे। मोदी जी को छोड़ के कोई है ही नहीं चेहरा, कोई एक कैंडिडेट विपक्ष बता दे इंडिया गठबंधन वाले। हाँ इनको कोई और नाम मिला, यही मिला था और कोई नाम नहीं था। UPA था सर, भ्रष्टाचार, UPA का नाम आते ही भ्रष्टाचार। तो उसने चोला बदल लिया बस, कपड़े हम चेंज करते तो उसने नया कपड़ा पहन लिया बस। समस्त समाज के हर गरीबों किसानों